आगे बढ़ेंगे खबरों में। विधानसभा चुनाव 2023 का दंगल है, नामांकन का दौर भी जारी है और प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रफीक खान का नामांकन भी है। कांग्रेस के आदर्श नगर प्रत्याशी हैं रफीक खान, जो कि नामांकन दाखिल करेंगे। रफीक खान से बातचीत की गई है, क्या उन्होंने कहा है पहले वो सुनवा देते हैं। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक रफीक खान को दोबारा टिकट दिया है और रफीक खान जो है आज ही नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। उससे पहले यहां पर सभा का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। हमारे साथ रफीक खान मौजूद हैं। सर, किस तरह से इस बार का माहौल आप देखते हैं? देखिए, पूरा उत्साह है और खास तौर से जयपुर शहर में हम पहले भी 4 सीटें जीते हुए हैं, जयपुर लोकसभा में 5 जीते हुए हैं। इस बार कुछ मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा टारगेट 10 जीतने का है। जहां 5 सीटें हैं वहां 10 सीटें जीतेंगे। जयपुर लोकसभा की 8 सीटों में हमारा समीकरण बहुत अच्छा है और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर दोनों विधानसभाओं का जोड़ लगाएंगे, जो अभी 10 विधानसभाएं जीती हुई है, तो हम अभी करीब करीब 14-15 पे हम कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। तो जयपुर में बहुत उत्साह है, लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह का माहौल है और हर सूरत में चुनाव जीतेंगे। सर, आप विधायक भी रहे, 5 साल आपने काम किया है, तो किस तरह से आप ये मानते हैं इस बार आपकी विधायक आपकी जो जीत है वो सुनिश्चित है? देखिए, मैं 5 साल जनता के बीच में ही रहा, मैं तो ये देख रहा हूँ अभी कि मैं अब थोड़ा सा समय मिल रहा है मेरे को, वरना पहले समय ही नहीं मिलता था। कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ काम बना ही रहता था। 5 साल पूरा इलेक्शन मोड में रहा और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब जीत की का आंकड़ा आएगा तो पहली सीट जब जयपुर में आप सुनोगे तो आदर्श नगर की आएगी और भारी मतों से आएगी। सर, इस बार ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ आपके क्षेत्र में ध्रुवीकरण की संभावना है? बीजेपी की कोशिश है लेकिन कामयाब नहीं होंगे। वहाँ क्या है, वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए बाबाओं को लाया जाता है। नेता नहीं है वहाँ, नेताओं की जगह नहीं है। इंपोर्ट करते हैं कैंडिडेट, कोई कांग्रेस से इंपोर्ट कर लेते हैं, कोई किसी धार्मिक बाबा को उठा के ले आते हैं। इससे काम नहीं बनेगा, जनता के वोटों से काम बनेगा, काम से काम बनेगा, मुद्दों से काम बनेगा। सर, जैसे आप मुस्लिम विधायक हैं, अमीन कागजी साहब भी हैं, तो आप लोग जो है गंगा जमुना जो तहजीब है, गंगा जमुनी जो संस्कृति, उसकी बात करते हैं? बिल्कुल, गंगा जमुनी तहजीब की बात ही नहीं, हम पूरी तरह से कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है और हर जाति धर्म को साथ लेके चलती है, और हमारी पोजीशन पार्टी की अब जनता इनको समझ चुकी है। हमारा जबरदस्त माहौल है पूरे जयपुर शहर के अंदर, 100% चुनाव। सर, आदर्श नगर सीट से अब तक जो है बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, तो आप क्या मानते हैं कि आपके लिए मुफीद कैंडिडेट कौन सा रहेगा? अगर ये तो बीजेपी तय करे कि कौन सा कैंडिडेट देंगे और कौन नहीं, आपकी जीत के अनुसार मेरे सामने वो किसी भी कैंडिडेट को लाए, मुझे इस बात की परवाह नहीं। मैं तो जनता के बीच में अपने काम को लेकर गया हूँ और काम के आधार पर चुनाव। सर, इस बार रिपीट करिए सरकार, 100%। हमारे साथ थे आदर्श नगर के कांग्रेस प्रत्याशी रफीक खान। ये कहना है कि इस बार सरकार भी रिपीट होगी और वो भी जो है इस बार दोबारा अच्छे मतों से जीतेंगे। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।